The London Top Show is sponsored by Nextdoor Hub. अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर आओ फ्री में. Nextdoor Hub पे अपना दुकान ऑनलाइन करना है एकदम आसान. Nextdoor Hub आपको अपने शहर में और अधिक उपभोक्ताओं तक पहुंचा देता है. आपको अपना बिजनेस बढ़ाने में मदद करता है. नजदीकी दुकान से खरीदना अब पहले से भी होगा आसान. हम हैं Nextdoor Hub, लोकल ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म. अब आपको विकास दुबे के इतिहास में ले चलते हैं. 19 बरस पहले 2001 का साल, यूपी सूबे में बीजेपी की सरकार, मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह. इसी साल कानपुर में एक हत्या होती है. छोटी मोटी हत्या नहीं, हाई प्रोफाइल मामला. सरकार के राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त संतोष शुक्ल को मार डाला गया शिवली थाने के अंदर. संतोष शुक्ल के सीने में गोलियों का बारूद भरने का आरोप आया एक शख्स पर, नाम विकास दुबे, जिसके आगे गैंगस्टर, बाहुबली, अपराधी और शिवली का डॉन जैसे शब्द जुड़ते हैं. इसके अलावा पूर्व प्रधान भी, जिला पंचायत सदस्य भी और अध्यक्ष जैसे पद भी उसके खाते में दर्ज है. उसकी पत्नी अभी जिला पंचायत सदस्य है. बताया जाता है कि विकास ने कई युवाओं का गैंग बना रखा है जो अपराध करते हैं. विकास दुबे पर यूपी के अलग अलग जिलों में 52 से ज्यादा मामले चल रहे हैं. इसमें लूट, डकैती, मर्डर जैसे कई मामले हैं. वो कई बार गिरफ्तार हो चुका है और जमानत पर भी रिहा हो चुका है. साल 2000 में ताराचंद इंटर कॉलेज की सहायक प्रबंधक सिद्धेश्वर पांडे की हत्या में भी विकास दुबे का नाम आया. इसके अलावा 2000 में ही रामबाबू यादव हत्या के तार भी उससे जुड़े. 2004 में केबल व्यवसायी दिनेश दुबे की हत्या में भी विकास दुबे आरोपी है. लेकिन जिस मामले से उसे सबसे ज्यादा ध्यान मिला लोगों का, वो था राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या का मामला. ये मामला सियासत से भी जुड़ा है. कानपुर की चौबेपुर विधानसभा, यहाँ से हरिकृष्ण श्रीवास्तव और संतोष शुक्ल 1996 में चुनाव लड़े. इस चुनाव में हरिकृष्ण श्रीवास्तव जीत गए. संतोष शुक्ल 1200 वोट से विधायकी हार गए. कहा जाता है कि हरिकृष्ण श्रीवास्तव की तरफ से विजय जुलूस निकाले जाने के दौरान दोनों प्रत्याशियों के गुटों के बीच विवाद हो गया. इसमें विकास दुबे का नाम आया. इस कहानी में एक और किरदार भी है, लल्लन वाजपेयी. ये इस कहानी के आधार में है. संतोष शुक्ल के भाई मनोज शुक्ल से हमारे साथी निशांत ने बात की. उन्होंने इस रंजिश की कुछ परतें उधेड़ी. वो कहते हैं कि संतोष शुक्ल और विकास दुबे की सीधी लड़ाई नहीं थी. शिवली नगर पंचायत के अध्यक्ष लल्लन वाजपेयी और विकास दुबे एक ही सिक्के के दो पहलू थे. दोनों साथ थे. 1996 में संतोष शुक्ल जिला अध्यक्ष हुआ करते थे. तब लल्लन वाजपेयी को उन्होंने ही शिवली नगर पंचायत अध्यक्ष चुनाव का बीजेपी का टिकट दिया. चुनाव हुआ, लल्लन वाजपेयी जीते और चेयरमैन बन गए. नेता हुए तो उनकी शह पर इलाके में उगाही शुरू हुई. उधर विकास दुबे भी अपराधी बन रहा था. उगाही को लेकर लल्लन वाजपेयी और विकास दुबे में मारपीट शुरू हो गई. विवाद शुरू हो गया और बढ़ता चला गया. बकौल मनोज शुक्ल, 1996 में विधानसभा का चुनाव हुआ. संतोष शुक्ल को चौबेपुर विधानसभा से बीजेपी का टिकट मिला. उनके खिलाफ हरिकृष्ण श्रीवास्तव थे जो बीजेपी छोड़कर बसपा में चले गए थे. वो चुनाव जीत गए, संतोष शुक्ल हार गए. हरिकृष्ण श्रीवास्तव ने जीतने के बाद जुलूस निकाला. इसमें लल्लन वाजपेयी का भाई गया तो उसे विकास दुबे के लोगों ने बुरी तरह मारा. लल्लन वाजपेयी भाजपा के कार्यकर्ता हो चुके थे. उन्हें लगा अगर हम समर्थकों को नहीं बचाएंगे तो राजनीति कैसे करेंगे. फिर एक फोन होता है, थाना आता है और गोली. दरअसल विकास दुबे ने लल्लन वाजपेयी के यहाँ हमला किया. लल्लन वाजपेयी थे बीजेपी के आदमी और उनके गॉडफादर थे संतोष शुक्ल जो राज्य मंत्री थे. लल्लन वाजपेयी ने उन्हें फोन किया कि इन लोगों ने हमें घेर लिया है, 12-15 लोग हैं कट्टे वगैरह के साथ. संतोष शुक्ल ने कहा कि हम आ रहे हैं. वो पहले शिवली थाने गए कि फोर्स लेकर जाएंगे. शिवली थाने पर विकास दुबे और उसके लोग आ गए और थाने के अंदर ही संतोष शुक्ल पर विकास दुबे ने गोली चला दी. बकौल मनोज मुकदमा चला, विकास दुबे बरी हो गया. थाने के अंदर हत्या हुई तब भी पुलिस वाले हमारे साथ खड़े नहीं हुए. 2002 में सरकार बदली, मायावती की बसपा सरकार आई भाजपा के समर्थन से और बसपा से विकास दुबे जिला पंचायत का सदस्य और फिर अध्यक्ष बना. जेल में रहने के दौरान शिवराजपुर से विकास दुबे ने नगर पंचायत का भी चुनाव जीता. मंत्री की हत्या करने के बाद उसकी बाहुबली वाली छवि बन गई. हर पार्टी में उसका संपर्क हो गया. आरोप लगते हैं कि इसी वजह से उसे संरक्षण मिलता रहा और इसी संरक्षण का नतीजा था कि वो इतना दुर्दांत अपराधी बन गया कि सीधे पुलिस पर ही हमला करने की सोचने लगा. लेकिन अब विकास दुबे का घड़ा भर गया है, पुलिस उसकी तलाश में है. उसका आतंक ज्यादा दिन नहीं रहेगा. लेकिन विकास दुबे का केस एक सवाल हमारे बीच छोड़कर जाता है कि क्यों हमारे यहाँ राजनीति और समाज ऐसे लोगों को प्रश्रय देता है जो बाद में हमारे लिए भस्मासुर हो जाते हैं. आप सोचिएगा इस सवाल पर. ये जो आइकन है, ये जो कथित बाहुबली हैं, ये जो पावर ट्रिप पर रहते हैं, इनको ताकत कहाँ से मिलती है? समाज से
राजनेताओं से, पुलिस के ढीले रवैये से और कोर्ट के उदार रवैये से कैसे विकास दुबे जैसे घिनौने लोग सड़कों पर घूमते रहते हैं, ये हमारे और आपके लिए सवाल है।